मेडिकल क्षेत्र में हमेशा से ही अपने एक इनोवेशन के लिए प्रसिद्ध शारदा हॉस्पिटल ने देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मल्टी सिस्टम रोबोटिक वर्कशॉप सफलतापूर्वक आयोजित की। यह आयोजन स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च और शारदा केयर द हेल्थ सिटी ग्रेटर नोएडा आगामी अल्ट्रा मॉडर्न 700+ बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर सर्जनों द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम भारत में चिकित्सा शिक्षा और सर्जिकल प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार किसी वर्कशॉप में अत्याधुनिक मल्टीपल रोबोटिक तकनीक का उपयोग किया गया है। कई रोबोटिक स्टेशन उपलब्ध होने के साथ ये लैब अमेरिका और ब्रिटेन सहित विश्व स्तर पर प्रशिक्षकों की सलाह के तरह रोबोटिक सर्जरी की जटिलताओं को समझने के लिए चिकित्सा पेशेवरों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए विशेष अवसर प्रदान करती है। इस अवसर पर पीके गुप्ता, चांसलर शारदा विश्वविद्यालय और अध्यक्ष शारदा हॉस्पिटल और शारदा केयर द हेल्थ सिटी के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फैकल्टी को पारंपरिक संस्कृति शैली में शॉल के साथ सम्मानित किया गया और इस पहल के लिए अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, हमें भारत की पहली मल्टीपल रोबोटिक लैब की शुरुआत करने पर गर्व है, जो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये पहल अत्याधुनिक प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने और भारत में स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देने के लिए शारदा हॉस्पिटल के समर्पण को रेखांकित करती है। उद्घाटन समारोह में चिकित्सा और शैक्षणिक क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों ने भाग लिया और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रौद्योगिकी और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के तरीके पर चर्चा की। कार्यक्रम में विभिन्न सत्रों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई, जहां लोग रोबोटिक सर्जिकल तकनीकों को व्यवहारिक अनुभव और उनके बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कैनवा वर्कशॉप है। इसमें जो वर्ल्ड के जो टॉप रोबोटिक कंपनी है, डिविंची है, बॉम है, अलवर्नो का, तो उन लोगों के रोबोट लेके आए हैं और हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज में उन रोबोट्स पे सर्जरी की ट्रेनिंग कराई है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये रोबोटिक सर्जरी का फ्यूचर बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में जो है वो ये फ्यूचर से टेक्नोलॉजी हैं, तो आज भी हमारे देश में रोबोटिक सर्जरी की बहुत कमी है और नॉर्थ इंडिया में कोई भी एस्टेब्लिश ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। तो शारदा का सबसे विजन रहा है इसमें मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, रोबोटिक सर्जरी स्पेशल स्किल्स हैं। और मैं सोचता हूँ आने वाले टाइम में काफ़ी सारे सर्जरी रोबोटिक सर्जरी में शिफ्ट किए हैं, तो शारदा को कैसे टेक्निकली इम्प्रूव करना है, तो इतने सारे प्रोफेसर हैं यूनिवर्स से, यूके से, एडिनबरा से, तो इनके साथ मिलकर के हम अपने बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि दे बिकम बेस्ट डॉक्टर हो। और उम्मीद करता हूँ कि ये लोग बच्चों को मेंटर करेंगे और अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाए यूनिवर्सिटी में, वहाँ अपॉर्चुनिटी उनके लिए खुलेगी। तो ये रिलेशनशिप है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शारदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हम जो है रेगुलर अटेंडिंग्स भाई बट स्पेशल में रोबोटिक सर्जरी, इसके अलावा हम लोग फ्यूचर में रोबोटिक सर्जरी है जो भी एडवांस सर्जरी उसका ट्रेनिंग है बनाने की एक प्रक्रिया शुरू की। अच्छा, नॉर्थन इंडिया में ये पहला सेंटर है क्या? ये नॉर्थ इंडिया में पहला है और ये वर्ल्ड में अपने आप में पहला एक रोबोट है। इसमें कई सारी कंपनी अपने रोबोट्स लेके आई हैं ऑल द वे फ्रॉम वर्ल्ड और उस पर ट्रेनिंग हो रही है, तो उसके क्रेडिट जो है ये खन्ना साहब को और बिंदल साहब को जाता है। बिकॉज ही इज बीन वेरी पैशनेटली परसुइंग यू नो की रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रेजेंस की, तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और पिछले 3-4 सालों में 40-50 रोबोटिक मशीन लग गई हैं और खास सारा जो है 30-40 मशीन लग रही हैं। लोग इसका ड्रगलेस सर्जरी के कम आपके चांस वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं, खून कम रहता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पहले जब कुछ लगा कि रोबोटिक सर्जरी की हर जगह ज़रूरत है, बहुत बड़े शहरों में नहीं, हर जगह में, हमारा देश छोटे शहर में रहता है, सब अक्सर लोग छोटे टाउन में रहते हैं, तो एक एंडेवर था 20 साल पहले जब रोबोटिक सोसाइटी आई थी, तो रोबोट आया था, तो करीब 2-3 साल पहले तक 90 रोबोट थे। इस सोसाइटी के कार्यक्रमों से हम लोग एक्स्ट्रा और बहुत सर्जन को बढ़ा पाए हैं। हमने जब शुरुआत की थी, मैंने, डॉक्टर विवेक मिंडल ने और हम लोग 7 फाउंडर थे, तब सिर्फ 100 रोबोट थे इंडिया में। आज 3-2.5 साल के अंदर में 168 रोबोट आ गए हैं और इसके लिए हम सेंटर्स देखते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हम लोग इसमें ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं क्योंकि रोबोट की कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, तो डॉक्टर से सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तो ऑनलाइन क्लासेस, टेक्निकल ट्रेनिंग, उसके बाद हम उनको
सेंटर्स में ले जाते हैं जहाँ पे वो कैडवर डिसेक्शन करें, उसके बाद वो हमारे ऑपरेशन थिएटर में आते हैं ऑपरेशन देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, और उसके बाद उनको हम लोग सर्जरी करने देते हैं अंडर सुपरविजन। तो उस सेंटर में शारदा यूनिवर्सिटी को जो हमने अप्रोच किया, हमको बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतना सहयोग मिला कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ही सहयोग नहीं, उनका ही सहयोग नहीं, सारी कंपनियां जो हैं वर्ल्ड की, सभी कंपनियों ने आके अपनी मशीनें दी। एक एक मशीन इस वक्त 20 करोड़ 18 करोड़ से नीचे नहीं है। इस वक्त कैडवर लैब में कम से कम 100 करोड़ की मशीनें लगी हुई हैं आज के दिन में इस कार्यक्रम में। तो हम धन्यवाद देते हैं चांसलर को, डायरेक्टर डीन को, और ऑल द फैकल्टी, माई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सो वी मेड अ स्मॉल बिगनिंग अबाउट 2.5 years back विद 7 फाउंडर्स, एंड टुडे यू कैन सी देर आर 500 पीपल अटेंडिंग दिस प्रोग्राम, एंड देर आर पीपल फ्रॉम ऑल स्मॉलर टाउन्स ऑफ द कंट्री एंड फ्रॉम द वर्ल्ड who want to pick up this. At the same time, who want to give the best of the services to their people also. So this is a small summary of this program, and I'm Dr. Subhash Khanna, I'm the founding president of this society. देखिए जो विजन हमारा है कि भाई the best care, an ethical approach, और affordable cost. क्योंकि कई जगह बदनाम होते हो कि भाई डॉक्टर ज़्यादा चार्ज करते हो, लोगों का जो क्योंकि पी जी इंस्टीट्यूट है उन्होंने बहुत सारे पी जी प्रोग्राम ना तो वी डोंट टू हैव एनी प्रैक्टिस जिससे उनके उनके अंदर एक गलत आदत बन गई मिल जाए। और ये जो नए 700 बैड जो बन रहे हैं जो भी आई थिंक अकेडमी का चालू हो जाएगा, ये अपने आप में बेस्ट इन क्लासेस हैं। क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स बैग से 40 से तरह तरह के इनिशियटिव है, एंड आई एवरीबडी अप्रिशिएटेड आवर विजिट, क्योंकि we want to raise ourselves in terms of healthcare at par with AIIMS. क्योंकि मेडिकल कॉलेज है तो एक उसकी अपनी करवाया रहे थे। आज भी यू नो लाइक सारे हॉस्पिटल में जाने के बाद कई बार लगता है कि भाई एक भी किसी डॉक्टर से ओपिनियन मिल जाए, यू फील दैट ही इज अल्टीमेट अथॉरिटी एंड दिस इज जेल फैकल्टी। तो शायद हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, एम्स के भी हैं, नवादा से भी, डेली आर्डिंग से भी, और एक कॉम्पिटिटिव भी बेस्ट होती है। इसमें सारे डिपार्टमेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये जो आज हुआ है इट्स ए फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपिंग दी ट्रांसप्लांट सेंटर। देखिए अब यही लैब जो है, अब ये कार्डियक ट्रांसप्लांट होंगे, लीवर ट्रांसप्लांट होंगे, उसकी ट्रेनिंग भी यही लैब में ही होगी, कैपिटल लैब में, ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर हो, गलती कम से कम हो, और होगी साधारण लेडीज ओन बेंच पास जैसे CMC बेंगलुरु है, बैंगलोर बेंगलुरु में आदि डायरेक्टर ऑपरेशन माना जाता है। तो और फैकल्टीज वर्किंग हार्ड टू यू नो मोर फोकस ऑन रिसर्च, मोर पेशेंट फ्रेंडली, एंड इंक्वायरिंग टू क्रिएट मोर इनोवेटर्स इंस्टीट्यूट। उसके बाद हमारे बेसिकली ये है कि हम अपने जो इंडियन डॉक्टर्स के अलावा, क्योंकि हमारे पास 80 कंट्रीज के बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट 80 कंट्रीज, एंड व्हेनेवर आई गो टू दीज कंट्रीज, सो देयर एम्बेसी, देयर मिनिस्ट्री, दे ऑलवेज आस्क की can you provide you know training to our doctors, can you give exposure. I think we should give a round of applause for that. So, the country students are studying here, use this expertise to not only for India but to train the global doctors, particularly from Africa, Middle East, you know, like Asian countries, because they cannot afford to pay so much of cost to pay to Europe and US. So for them India is becoming an affordable destination, and since Sharda is a global university, the vision is to become a global leader in terms of healthcare and education. So this center will help them to train those overseas doctors, and this will not only help, it will actually help India to build their better relationship with the rest of the world. Because if we have to cater 1.4 million population, we need to put our, create a footprint in every country. So these trainings will help those doctors to be, have a soft culture for Indian दुनिया में सबसे एडवांस तरीका है ऑपरेशन करने का, और पिछले 25 सालों से ये सिस्टम चल रहा है, और इसकी जनरेशन एडवांस होती जा रही है। जैसे आईफोन 3 से 11, 15 तक पहुंच गया, वैसे अब हम इंट्यूटिव का 4 जनरेशन रॉबोट जो नीचे लगा है, एक्साइज सिस्टम लगा, और मल्टीपल मशीन्स और भी आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें काफ़ी इंकॉर्पोरेट हो गई है। मेरे साथ प्रोफेसर सुडान बैठे हैं, प्रोफेसर सुडान ने दुनिया का पहला रोबोटिक इंटेस्टिनल ऑपरेशन किया था सन 2000 में, अमेरिका में ड्यूक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर।
और आज की डेट में वो हमारे इंडियन सर्जन को सिखाने यहाँ पर शारदा यूनिवर्सिटी में आए हैं और हाथ पकड़ के लोगों को सुबह से सिखा रहे हैं कि ऐसे आप स्टिच लगाएं। ऐसे लोग जो जिन्होंने जिनसे ज़्यादा किसी ने दुनिया में काम नहीं किया वो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ह्यूमन क्लिनिक से लोग बैठे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा से बैठे हैं। तो ये बेसिकली इसलिए आए हैं और इतनी दूर से यहाँ पर अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं, जिससे कि इनके मन में पैशन है कि जो अच्छा काम हम कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं, जो इतने सालों से कर रहे हैं, वो हम बाकी कंट्रीज के अंदर भी शुरू कराएं। और वो चीज़ यहाँ पर आज हो रही है कि इंडियन सर्जन्स को बेस्ट सर्जन्स पूरी दुनिया के आके बेस्ट टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और जिससे कि सर्जिकल सेफ्टी बढ़ता है, सर्जिकल सेफ्टी बढ़ेगी। उसमें चेक पॉइंट्स हैं, आपकी सर्जरी के अंदर कोई भी मिस्टेक होने से पहले देर आर वार्निंग्स विच कैन कम, और जिससे कि रिकवरी फास्ट होते, क्लिनिकल आउटकम्स बेटर। इट इज़ 1/3 द कॉस्ट ऑफ द अर्लियर सिस्टम विच इज़ कमिंग फ्रॉम US। तो उसके चलते कॉस्ट का डिफरेंस बहुत ही मिनिस्क्यूल रह गया है, अब बहुत ज़्यादा नहीं, और आने वाले समय में बिल्कुल खत्म हो जाए।